वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। इंडियन मॉम्स डायरी में आज आपका एक फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का वीडियो भी वुड बी मॉमीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे लगता है पहले मैं अपने वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ जो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बिकॉज वी लोग शेयर करने में हम भी सेम स्टेज में होते हैं जिसमें आप होते हो, तो आई फील कि पहले मैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँ। तो ऑब्वियसली आपने टॉपिक देखा होगा तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो नॉर्मली जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑब्वियसली वो 9 मंथ बहुत ही हैप्पी होते हैं आपके लिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट आप हमेशा एंग्जाइटी से भी भरे होते हो कि पता नहीं अब कौन सा टेस्ट होगा, अब क्या होने वाला है। बिकॉज एक्चुअली आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या चल रहा है। कभी कभी डॉक्टर आपको टेस्ट बता देते हैं और आप बहुत नर्वस हो जाते हो, कभी आपसे कह देता है सॉरी इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमेशा नर्वस रहते हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पूरे 9 मंथ की ड्यूरेशन में मैंने कौन कौन से टेस्ट किए हैं और डॉक्टर ने मुझे क्या प्रिस्क्राइब किया था। मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी थ्रू आउट, जैसा मैं अपने पुराने वीडियो, जो लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी रही, मुझे 9 मंथ तक कोई भी समस्या नहीं रही। तो जो टेस्ट मैंने किए थे या करवाए थे ये सारे एक मैंडेटरी टेस्ट हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट और किस किस मंथ में आपकी सोनोग्राफी और क्या उस होल प्रोसीजर में आपको बताया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से लोगों के पास शेयर कीजिए जिससे अवेयरनेस बढ़े और ये 9 मंथ वो इंजॉय कर सके। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले अगर आप होम प्रेगनेंसी किट से अपना वीडियो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं दैट इज़ फाइन, वो हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, वो पी दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट आपकी होती है वो होती है सोनोग्राफी बिटवीन 5 to 10 weeks, 5 से 10 हफ्ते के बीच में आपकी सोनोग्राफी कराई जाती है। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं, सही तरीके से डेवलप हो रही है या नहीं। उसके बाद 3rd मंथ में डॉक्टर आपको एक सेकेंड सोनोग्राफी बोलते हैं। देन 5th मंथ में आपकी सोनोग्राफी होती है जस्ट टू चेक कि ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद 7th मंथ में एक सोनोग्राफी होती है बिकॉज जो ब्रेन का पार्ट होता है, बैक साइड ऑफ द हेड और लिवर, ये बहुत एंड में डेवलप होते हैं, तो डॉक्टर उनकी ग्रोथ देखता है। वो ये उसके थ्रू चेक करते हैं कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ रही है ग्रोथ उस अकॉर्डिंग है या नहीं, और अगर बच्चे की ग्रोथ स्लो होती है तो उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एक्सरसाइज डाइट में चेंजेस बताते हैं। एंड देन लास्ट प्रेगनेंसी होती है जब अप्रोच आप अपनी ड्यू डेट को कर रहे थे ऑलमोस्ट 9 मंथ के कंप्लीशन पे, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में एमिनो सैक या वाटर का लेवल कैसा है या बच्चे की ग्रोथ कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेट कितना है, ये सारी चीज़ें और आपकी नॉर्मल ड्यू डेट क्या है। ये नॉर्मल टोटल ऑलमोस्ट 5 सोनोग्राफी आपको होल प्रोसीजर में कराई जाती हैं। इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी डेट आप अप्रोच करते हो या फिर कभी कभी किसी किसी की डिलीवरी डेट पूरी हो जाती है, जैसे मैं फुल टर्म डिलीवरी थी मेरी, माय डेट वाज 2nd of December एंड इवन ऑन 2nd December आई गॉट अ लेबर। तो बहुत लोगों की पोस्ट ड्यू डेट भी होती है तो डॉक्टर्स उनको एक और सोनोग्राफी सजेस्ट करते हैं जस्ट टू चेक कि बेबी ठीक है या नहीं। तो लेकिन नॉर्मल केस में सिर्फ 5 सोनोग्राफीज होती है जो मेरी हुई थी। सेकेंड चीज़ जो आपको करानी होती है ये होता है ब्लड टेस्ट। सो जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है 1 से 2 महीने के अंदर डॉक्टर आपका सबसे पहला ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं। ये बेसिकली ये चेक करने के लिए होता है कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है या क्या। तो सबसे पहले इस ब्लड टेस्ट के थ्रू डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है आपका। देन आपका थायरॉयड चेक होता है, क्योंकि जब हम प्रेगनेंट होते हैं तो थायरॉयड का जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल डिफरेंट होता है। देन आपका ब्लड शुगर चेक किया जाता है बिकॉज अगर आपको ग्लूकोज या शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को भी हो सकती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी चेक करते हैं डॉक्टर, HIV टेस्ट करते हैं, और उसके अलावा टोटल ब्लड काउंट को देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपकी बॉडी में सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। तो बेसिकली ये ब्लड टेस्ट इसके लिए किया जाता है जो कि इनिशियली 2nd मंथ या 3rd मंथ में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा ब्लड टेस्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ में, क्योंकि कभी कभी हम लोग जिस तरह की ईटिंग हैबिट्स फॉलो करते हैं तो हमें दोबारा से ब्लड शुगर या हमारा ब्लड काउंट कम होने की संभावना रहती है। तो डॉक्टर एक बार श्योर होने के लिए 7 मंथ के अप्रोच ये एक और ब्लड टेस्ट करते हैं जिसके थ्रू वो अगेन ग्लूकोज चेक करते हैं, बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपके पहले वीडियो
डॉक्टर्स ने भी बताया है कि हीमोग्लोबिन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी. तो डॉक्टर्स वो चेक करते रहते हैं और वो मेडिसिन की भी सजेशन देते हैं. अगर आपके बॉडी में कुछ कम है या ज़्यादा है जैसे मैंने पहले बताया, तो वो नॉर्मल मेडिकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं. तो नॉर्मली पूरे ड्यूरेशन में 5 सोनोग्राफीज और 2 ब्लड टेस्ट होते हैं. इसके अलावा अगर उन्हें बच्चे की ग्रोथ या हार्ट बीट या किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो डॉक्टर अपनी सेफ्टी और एक्सपर्ट सजेशन के लिए आपको कुछ और टेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी देख रही हैं, तो आपको आइडली 5 सोनोग्राफी और 2 ब्लड टेस्ट ही कराने पड़ते हैं. इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बेसिकली 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि 2 इंजेक्शन टिडबिट से रिलेटेड होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 5th मंथ और 7th मंथ में देते हैं टिडबिट के इंजेक्शन. और अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 मंथ के बीच में आपको एक फ्लू का इंजेक्शन भी दिया जाता है टू इम्यून योर बॉडी, बिकॉज आपकी बॉडी से आपके बच्चे की बॉडी अच्छी होगी और उसको भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बेसिकली इस पूरे ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कराने पड़ते. सोनोग्राफी इसलिए कराते हैं डॉक्टर जस्ट टू चेक कि ऑर्गन ठीक से डेवलप हो रहे हैं नहीं, बच्चे की ग्रोथ सही है या नहीं, आप प्रेगनेंसी अच्छे से कैरी कर रही हैं या नहीं, उसकी हार्ट बीट कैसी है, उसका वेट कैसा है और वाटर लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक करता है. और ब्लड काउंट, HIV और इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो कि पूरे होल प्रेगनेंसी में आइडली से 2 बार होता है. तो इसके थ्रू वो सब कुछ जानते हैं आपकी बॉडी के बारे में और बच्चे की बॉडी के बारे में. एक वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि आपको आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस का भी ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, बिकॉज़ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कभी कभी डॉक्टर्स को इसकी ज़रूरत होती है, तो वो आपसे पहले ही पूछते हैं. बट आप हमेशा इंश्योर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार ब्लड चेक करा लीजिए अपने स्पाउस का भी. तो ये सारी जानकारी थी कि हम प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टेस्ट से गुजरते हैं और हमें कौन कौन से मेडिकल टेस्ट देने पड़ते हैं. तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम और वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे. इंडियन मॉम्स डायरीज आपका बहुत बहुत स्वागत है.